to my channel, Glam with me. Good morning. आज एक बहुत ही सुंदर सा सुबह है और हम लोग जा रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी, जिसका इंतजार सबको था, हमें भी था. सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं. अभी 6:20 हो रहा है और 7 बजे को हमारा बस है कोथागुड़ा से. फिलहाल मैं थोड़ा सा लेबू पाता, मतलब लेमन की जो लीव्स होते हैं वो ले लेती हूँ, बिकॉज मुझे उल्टी आती है बस में. सो प्याओ. बस आ गई. सो बस आ गया है और एसी बस है, काफी अच्छा है और सीट भी काफी अच्छा है. मम्मी को सर्दी लग रही है और बस जो है ना बहुत पंक्चुअल है, सब लोग पहुंच भी नहीं है पाए अभी तक. हम लोग तो 10 मिनट पहले ही आ गए थे. सो 7 बजे टाइम था, 6:50 को टाइम था, 6:45 को ही आ गए हैं, अच्छी बात है. सो दिस इज अवर ब्रेकफास्ट. ये जो केक है ना वो हमारे मेरे बर्थडे पे शायद आया था, बर्थडे पे ना, बर्थडे पे भी आया था और एनिवर्सरी पे भी आया था. तो हमने सोचा था कि ये मम्मी पापा को भी खिलाना है. सो ये ओ माय गॉड, एक केक का हालत ख़राब हो चुका है. प्लेट दाओ, प्लेट दाओ. बस तो खड़ी हो गई. फाइनली पहुंच गए हैं. हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगा कोथागुड़ा से. एक्चुअली 1.5 घंटा रास्ता रहता है और बीच बीच में एक एक पॉइंट से सब लोग बस में चढ़ते हैं, उधर पे रोकना पड़ता है बस को. और एक टाइम पे हम लोग वॉशरूम के लिए भी रोका गया था 15 मिनट के लिए. सो ओवरऑल 2 घंटा लग जाता है. 8:45 टाइम हो रहा है अभी. इधर पे सारे काउंटर्स हैं. हमने ऑनलाइन पे टिकट जो है वो बुक किया था, पेटीएम से 75 रुपीज ईच टिकट में कम पड़ रहा था हम लोगों को, तो ऑनलाइन किया. वैसे टिकट का प्राइस रहा था 1150 रुपीज. और बस को कैसे बुक करना है वो बता दो, कैसे बुक करना है बस? जिस दिन आना है उसके एक दिन पहले रामोजी का टोल फ्री नंबर है, गूगल पे सर्च करना, नंबर मिल जाएगा. और उसमें आपको बोलना है कि कौन सा डेट पे आपको आना है, मतलब नेक्स्ट डेट का, और कितना आदमी आएगा उसके बारे में बोल देना है. 350 करके चार्ज लेता है पर हेड. उन लोगों का कुछ कुछ पिकअप पॉइंट रहता है, उधर से आपको बसेस मिल जाएगा. और उधर पे ही जब ख़त्म हो जाएगा ये, उसके बाद इधर से बस छोड़ता है, फिर वो आपको पिकअप पॉइंट जो था उधर पे जाके ड्रॉप कर देता है. वन मोर इन्फॉर्मेशन, बस में एक गाइड रहता है, बस 5-10 मिनट के लिए वो आपको गाइड कर देता है. अगर आप इधर आके टिकट लेना चाहते हो तो 1, 2, 3, 4 ये काउंटर में टिकट मिलता है. और अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुक हो गया है तो 5, 6, 7, 8 काउंटर से आपको जाना पड़ेगा. टिकट का प्राइस रहता है 1150. इसमें आपको एसी बस और खाना इंक्लूडेड नहीं रहता है. 2,350 और एक टिकट रहता है, इसको आपको एसी बस मिलता है और फूड जो है वो फ्री में मिलता है. दिखाओ 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 दिखाओ. लेडीज और जेंट्स का अलग अलग सिक्योरिटी चेकिंग होता है. हम लोग अभी सबके सब रामोजी के एम्प्लॉय बन गए हैं.
आटा बताए। सो आप जो ये बस देख रहे हो, ये बस हमें 7 किलोमीटर अंदर तक छोड़ देगा। उसके बाद सॉरी बहुत ज़्यादा लाइन है, उसके बाद और एक बस हमको पिकअप करेगा। बस ही बस कितना बस चलेंगे हम लोग। Of a magical day and discover the wonderful amalgamation of cultures.
মুখ না আছে अभी देखा ये था रामोजी मूवी मैजिक राइट रामोजी मूवी मैजिक ना रामोजी बहुत बढ़िया था। हम लोग इको पार्क में एक ऐसा राइड था ना पानी के नीचे से जाता है और दोनों साइड में रहता है ऐसा ही है उस टाइप का बट उससे बहुत ज्यादा अच्छा बहुत ज्यादा। अभी हम जाने वाले हैं स्पेस यात्रा Ladies and gentlemen, boys and girls, please be seated on your respective seats till the ride comes to. Welcome, voyagers. Huh? Oh, there you are. Welcome to your space flight adventure. Scanning for intruders. You can never be too careful. Prepare to descend to the level 21 launch platform. বুঝেছো ভয়ের কিছু না যা সেইটা এরা ম্যাডাম হচ্ছে Supervisor Amitha. Well, I hope you enjoyed your space voyage. बहुत बढ़िया। आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे जगह जगह पे ना पानी का मतलब ठंडा पानी का फिल्टर है सो आपको ज़्यादा पानी लेके आने की भी ज़रूरत नहीं है और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वॉशरूम और पानी का जो ना बहुत अच्छा इंतज़ाम है जगह जगह पे है और बहुत ही सुंदर सा ठंडा पानी है। बहुत मज़ा आया। मम्मी को थोड़ा सा डर लगा। ये राइड भी हमने निको पार्क में निको पार्क के चौड़े से हमने ऐसा ऐसा हिलता है वो बेसिकली दिस इज अ गैलरी और इसका नाम है लाइट कैमरा एक्शन। इसमें क्या होगा पता नहीं है। स्टेज है बड़ा All together turn right side. Right side. Right side. कमाल का acting है मैडम आपका चेहरे में कुछ भी टेंशन है दीपा एयर हवा 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 विंड गाड़ी अंडी walking in the jungle walking on the road yes ladies and gentlemen mere direction mein ek chota sa shoot kiya hai ek heroine hai aur ek chor is aaye is film ko sound effects ko add kiya hai ye dekhne ke baad aapko perfectly pata chalega filmon mein sound effects ko kaise add karta hai take a look it
चोर चोर नहीं चोर मेरा बैग चोर चोर कोई है प्लीज समय हेल्प मी चोर मेरा बैग लेके भाग रहा है चोर कंटिन्यू सर कंटिन्यू अभी हम लोगों का ब्रेक है हम लोग खाना खाएंगे नेक्स्ट हम लोग टूर पे जाएंगे जो बस आता है ना उस बस से का प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जस्ट लाइक चिकन बिरयानी 263 सो ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसीलिए क्योंकि आपको 300-350 में बिरयानी मिल जाता है इजीली हैदराबाद में दो लोगों के लिए पर यहाँ पे 263 पे जो हमको बिरयानी मिल रहा है वो एक ही लोग खा सकते हैं सो इट्स थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होता है आप 300 पकड़ लीजिए ईच पर्सन लगेगा रामोजी का स्पेशल जो रेड बस होता है ना सामने की तरफ चार सीट है चार लोग आ सकते हैं अच्छा गाइड भी है हमारा फोर मेंबर्स और ये बाहर से आपको दिल्ली के मुगल गार्डन जैसा दिखेगा राइट लो ना फर्स्ट लोकेशन छोड़ेंगे मुगल गार्डन है छोटे बड़े यहाँ पे 120 गार्डन है जिनको फिल्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रेड एंट्री रेप्लिका फतेहपुर सिकरी उलन दरवास बाहुबली लोग कनपड़ते बाहुबली में आपको ये दिखता है बाहुबली फर्स्ट पार्ट राव सिटी मार्केट हो गया ये जेल है जिसको आप फिल्म में देखेंगे वाले मैंने सेंट्रल जेल की जेल के मिलू सिनेमा के भी ऊपर गार्डन है माय गॉड हम लोग अभी महाभारत सेट में जा रहे हैं बस
इस लोकेशन पे हमको ड्रॉप किया है और बोला है स्टेशन इधर एक स्टेशन है रेलवे स्टेशन उधर पे फिर से हमको पिकअप करेगा और एक बस या तो फिर यही बस मुझे पता नहीं है बस मैं ऐसे करके देख रही हूँ सब कुछ ये सब कुछ टोटली कार्डबोर्ड से बनाया गया है कार्डबोर्ड से और फिल्म के हिसाब से ये चेंज होता है ओह माय गॉड हम लोग आ गए हैं हैदराबाद स्टेशन हैदराबाद स्टेशन मतलब नामपल्ली ना नामपल्ली स्टेशन आ गए हम लोग ये देखो पूरा कार्डबोर्ड का है ना ट्रेन भी कार्डबोर्ड का है माय गॉड ट्रेन का नीचे कोई ट्रैक नहीं है व्हील्स व्हील्स रियल है वो कार्डबोर्ड से नहीं होगा शायद पता नहीं सब कुछ हमारा दुकान में नकली ट्रेन और नकली साइन बोर्ड ऐसी बॉगी ऐसी बॉगी भी है नाइस नीचे बैठा था शूटिंग चल रहा है आगे एयरपोर्ट में आपको दूसरा बस मिल जाएगा मुझे फिर से बस बदलना है अभी हम लोग आए हैं लंदन मैनचेस्टर बोल के कहीं पे उधर से हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे एयरपोर्ट से फिर से हमें बस मिलेगा एयरपोर्ट से हम प्लेन नहीं बस में चलेंगे मदर टेरेसा हॉस्पिटल और ये एम्बुलेंस भी है अरे एम्बुलेंस नकली नहीं है आई थिंक एयर इंडिया पैसेंजर्स प्लीज रिमेंबर नॉट टू लीव योर बैगेज अनअटेंडेड प्लेन हाई कोर्ट This is Japanese garden. मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये मतलब बनाया गया सेट है इतना नेचर मतलब ऐसा लग रहा है कि नेचुरल है ना वाओ बताओ कहाँ पे आए हैं हम लोग यस बाहुबली सेट वाओ आप लोगों को पता ना मैं कितनी बड़ी फैन हूँ प्रभास की हम दोनों ही पूरा टैन टैन हो गए जय महाश्मी ये गाड़ी याद आ रहा है हाँ दिस इज द सेट ओह नाइस ना हाँ बारिश स्टार्ट हो गया है इंग्लिश देख नहीं रहा है मुझे ऊपर है ओके जो भी हो चलो
बर्ड्स पार्क। वाव, ये ओरिजिनल है। वाव। कौन सा गार्डन है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 120 के ऊपर गार्डन्स है। और आप मेरी फेस की हालत देख के शायद समझ सकते हो मेरा एनर्जी जो है एकदम 2% रह गया है बैटरी, जैसे फोन में ऐसा आता है ना 2% 2%, ऐसे मेरा बैटरी भी और नहीं हो रहा है। 4:30 के करीब साढ़े चार बज रहा है, सुबह को 4:30 बजे उठे थे हम लोग। उसके बाद से ना थोड़ा थोड़ा हम लोग पैदल चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम तक चल रहे हैं, पर बहुत थकान फील हो रहा है, बहुत ज्यादा। मेरा एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इधर लेट जाऊं। पॉजिटिव पर्सन, बट स्टिल मैं ये बोलना चाहती हूँ अब ख़त्म करो, और नहीं घूमना है और नहीं देखना है, अब ख़त्म करो और नहीं देखना है। मैं थक गई हूँ, इतना थकी मैं कभी फील नहीं किया है, पता है। उधर पे एक प्लास्टिक का क्रोकोडाइल था, वो देख के मैं ऐसे डर गई क्योंकि मैं अब भी मतलब ऐसे हूँ, ऐसे चल रही हूँ। लुक एट माय शूज, look at my shoes, oh my god, আমার গেঞ্জি লাগা, আরে দোয়ারটা হচ্ছে, দেখি দেখি বাকি যেটা হচ্ছে কি না, গেঞ্জিটা হয়েছে, আমার গেঞ্জিটা হয়েছে, হ্যাঁ আমারটা হয়েছে, না বাবারটা হয়েছে, হ্যাঁ বাবারটা খুব হয়েছে, দিগে সময় এগিয়ে আসো, এই এটা কোন আমারটা হয়েছে, তোমারটা হয়েছে, এগিয়ে আসো বাবা, এগিয়ে আসো মা, এগিয়ে আসো। সবচেয়ে ज्यादा मैंने शू को हुआ है, कैसा लग रहा है मेरा शू, अरे तू जरा साधा ना। पता नहीं क्या है, भूत बंगला या सांप, मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड, बुलबुले এখন তুমি একসাথে থাকো প্রকান্ত, এই বুলবুলে ঢুকে আছে আর তো
सो गाइस कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं टिकट काउंटर के जस्ट बाहर हूँ, हम लोग बाहर आ चुके हैं। सो रामोजी फिल्म सिटी जो है वो रामोजी राव ने एस्टेब्लिश किया था 1996 में, और ये जो रामोजी फिल्म सिटी है ये टोटल 2000 एकड़ ज़मीन के ऊपर है। और टिकट काउंटर से जो है ओरिजिनल जो रामोजी फिल्म सिटी है जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो रेड वाला बस सबको मिलता है, वो रेड वाला बस एक आइकॉनिक है रामोजी फिल्म सिटी का। सो वो टिकट काउंटर से ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है। टिकट काउंटर के जस्ट बाद ही आपको बस मिल जाता है जो फ्री सर्विस में उधर आपको पहुंचा देता है। उसके बाद रेड बस मिलता है, और भी बहुत सारे जगह रहते हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो। ऑलमोस्ट 99% मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप आ सकते हैं। अगर इस व्लॉग को पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर मैं कुछ मिस कर गई हूँ सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइज, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। पूरा तो ख़त्म नहीं कर पाए, इतना तो कन्फर्म है। और पूरा खत्म नहीं कर पाए, पर हम दोनों के दोनों टैन हो गए। ये टैन होके रेड हो जाते हैं, मैं टैन होके येलो हो जाती हूँ। दो दिन मतलब बीच में एक दिन रुक गए थे, इतना घूम रहे हैं ना, हमारा स्किन टोन ही चेंज हो गया है। इतना बता दूं कि एक दिन में ये खत्म होने वाला चीज है ही नहीं। सो बाय 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 बाय।